हाँ जी। सो चैप्टर थर्ड अपन कर रहे हैं। सो आज अपना टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, कि मीन्स अपन दो मैट्रिक्स दी आपस विच मल्टीप्लाई किवें करनी है। सो टॉपिक की अपन इंट्रोडक्शन करेंगे। सो टॉपिक शुरू करने तो पहला आप जो पहला पढ़ाया है कि एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स, कि दो मैट्रिक्स की जो एडिशन तो सबट्रैक्शन करनी होदों वो मेन कंसैप्ट की सी कि रो जो रो नहीं कि इन्हों दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर की है सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम। ठीक है, ऐड तो सबट्रैक्शन वास्ते मैट्रिक्स का ऑर्डर की है सेम होना चाहिए। जिम कि आप एग्जाम्पल लेट करते हैं कि मैट्रिक्स ए है, वह ऑर्डर किन्ना एम क्रॉस एन है, प्लस मैट्रिक्स बी है तो वह ऑर्डर किन्ना एम क्रॉस एन है। ओके, सो हम इन दोनों मैट्रिक्स में ऐड करके कोई सी मैट्रिक्स बनती है। ठीक है, कोई मैट्रिक्स सी बनूगी, सो वह ऑर्डर भी किन्ना होगा एम क्रॉस एन होगा। ठीक है, सो ऐड तो माइनस ली, इतने माइनस पा लो, यदा मतलब चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो मैट्रिक्स का ऑर्डर की है सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ऐड तो माइनस करने वेले ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ऐड तो माइनस करके जिहड़ी मैट्रिक्स अपने को आंसर के बच्चे आऊगी वह ऑर्डर भी की है सेम होना चाहिए। ठीक है, बट हुण आपां करना मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स थोड़ा जिहा एक कंसैप्ट इहदे नालों थोड़ा जिहा रिवर्स है, थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, तो देखो कोई मैट्रिक्स ए है, सो उसका ऑर्डर कितना है एम क्रॉस एन है। कोई मैट्रिक्स बी है तो उसका ऑर्डर आप एन क्रॉस पी मानेंगे, सो इन्हों दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। सो जो आप ए ते बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करांगे कोई नवी मैट्रिक्स सी आऊगी। ठीक है, कोई नवी मैट्रिक्स सी बनूगी, सो उसका ऑर्डर की होगा एम क्रॉस पी। ठीक है, सो हुण इस कंसैप्ट जो चीज़ समझ वाली है देखो की है, जो पहली मैट्रिक्स है ए की है रोज तो ए की कॉलम, ए रो है ए कॉलम है, ए भी की रो है तो कॉलम है। ओके, सो देखो जो समझ वाली गल है कि पहली मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम है ना, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू होनी चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ओके, सो ये कंपलसरी है ए वाला रूल, जे ये दोनों इक्वल होंगे तो ही अपनी इन्होंने दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पॉसीबल है, नहीं तो अदरवाइज मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पॉसीबल नहीं होएगी। ठीक है, जेकर इस मैट्रिक्स के कॉलम तो ए वाली मैट्रिक्स के रो नंबर ऑफ रो, ठीक है, दोनों सेम होंगे दैन अपनी मल्टीप्लाई की पॉसीबल है। सो जो एक तो ये चीज़, फिर जब आप गल करते आंसर च, जो इन्हों दोनों की प्रोडक्ट हो गए मैट्रिक्स सी आई है ना, जी ये मैट्रिक्स सी आई है, वो ऑर्डर की होगा उदों आ दोनों कैंसल हो जाएंगे एम क्रॉस पी अपना की ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, सो इस डेफिनेशन वन मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में पक्का ही आता है एज अ एम सी क्यू, बहुत बार पेपर च आ चुके है। सो पेपर च क्वेश्चन किदा दा देखो कि मैट्रिक्स ए है 2/3 ऑर्डर दी है एंड मैट्रिक्स बी 3/4 ऑर्डर दी है, दैन सी मैट्रिक्स इज प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी। ओके, दैन वट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी। ओके, सो ऑप्शन अपन गिवन होगी 2/2 ऑर्डर, ऑप्शन सेकंड 3/3 ऑर्डर, ऑप्शन थर्ड 2/4 ऑर्डर 2/4 एंड ऑप्शन नंबर 4 4/2 ऑर्डर। ठीक, देखो
कि मैट्रिक्स ए गिवन है 2 by 3 ऑर्डर की, मैट्रिक्स बी गिवन है 3 by 4 ऑर्डर की, सो सी मैट्रिक्स कोई अपनी इन्हों दोनों ही प्रोडक्ट तो बनती है जिमें कि आप इतने लैट किया। सो ए वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर की होगा, देखो ध्यान, आप गल की सी कि जी आह वाली मैट्रिक्स है ये कॉलम तो ये रो दोनों की है सेम होने चाहिए, सो ये दोनों सेम है, ये कैंसल हो जाएंगे, जो सी मैट्रिक्स कितनी बचेगी 2 by 4 ऑर्डर की, सो ऑप्शन नंबर थर्ड अपना की है आंसर, ठीक है। सो ये बेसिक कंसैप्ट याद रखना जरूरी है। सो ये पेपर के एक सवाल पक्का ही आता है इस तरह। सो कई बार क्वेश्चन अपन इदा का भी आ जाता है कि मैट्रिक्स शायद अपन 2 by 3 ऑर्डर की गिवन होगी, सो मैट्रिक्स बी का ऑर्डर फाइंड करना है, इज इक्वल टू सी मैट्रिक्स का ऑर्डर अपने को होगा 2 by 4, ठीक। सो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर किवें फाइंड करांगे, सो देखो इनू करो ध्यान कंपेयर, जो सी मैट्रिक्स जिहड़ी रो ते कॉलम आउंदे आ, जिहड़ी रो हुंदी आ ओह की हुंदी अपनी, आंसर विच ध्यान इह गल याद रखनी है, जिहड़ी सी मैट्रिक्स आंसर वाली जो मैट्रिक्स है उहदा रो किन्नी हुंदी आ, पहली मैट नंबर ऑफ रोज ऑफ फस्ट मैट्रिक्स, ठीक। तो जी कॉलम होंगे वह की नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सैकेंड मैट्रिक्स, ठीक, एक गलत याद रखनी है। सो देखो हम जो आप 4 है, एक कॉलम कड़े है नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सैकेंड मैट्रिक्स, ठीक है, सो इट मीन कॉलम कि 4 है, ठीक है। हम गल करते रो, देखो ध्यान कि जी नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फस्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो सैकेंड मैट्रिक्स, ये दोनों सेम होने चाहिए, सो इट मीन आ वाला यदि रो द इक्वल होगा, सो 3 by 4 इस तरह, ठीक है। सो ये क्वेश्चन पेपर में इस तरह ही बन जाता है तो इस तरह भी, ठीक है। सो ये कुछ दी बेसिक डेफिनेशन, हुण आप कुछ एग्जाम्पलां करते हैं कि मल्टीप्लाई ऑफ टू मैट्रिक्स किवें पॉसिबल है। देखो हाँ जी, जो एग्जाम्पल पहले आप सॉल्व की थी वाली, ये आप एग्जाम्पल सॉल्व की एज ए ओरल मैथड कि मीन आपको सिंपल ये बारे पता सी, बट जेकर मान लो ये एग्जाम्पल पेपर के आँदी इदा की, तो आप इस एग्जाम्पल इस फॉर्मूले की हैल्प ना ही सॉल्व कर सकते हैं कि मीन आपको कि फॉर्मूले बारे नॉलेज होनी चाहिए, मतलब ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो देखो मैट्रिक्स ए गिवन 2 by 3 ऑर्डर की, बी का ऑर्डर फाइंड करना है, सी का ऑर्डर गिवन 3 by 3, ठीक है। सो फॉर्मूला देखो कि मैट्रिक्स ए एम क्रॉस एन लैट की है फॉर्मूले, मैट्रिक्स बी आप एन क्रॉस पी फाइंड की है, सो सी मैट्रिक्स का ऑर्डर कि एम क्रॉस पी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जी मैट्रिक्स ए है ये नंबर ऑफ कॉलम तो मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रो दोनों की है सेम होनी चाहिए, सो सेम होने वेले ये दोनों कैंसल हो जाते हैं, ठीक है। सो जी सी मैट्रिक्स बचती है वह एम क्रॉस पी की बचती है, ठीक है अपने को। सो देखो हम बी मैट्रिक्स की आप ऑर्डर फाइंड करनी है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर, सो देखो हम इन्हों कंपेयर करो, सो जो एम की वैल्यू कि 2 है, एन की वैल्यू कि 3 है, सो ये एम की वैल्यू इतने 2 आएगा, एम की वैल्यू 2 है तो पी की वैल्यू 3 है, ओके। सो बी मैट्रिक्स में अपना इतने एन क्रॉस पी आएगा ना, ओके, सो इट मीन एन की वैल्यू आप फाइंड कर चुके कि 3 है आह वाली, तो पी की वैल्यू अपन इतने पी है कि ये भी 3 है, सो मैट्रिक्स बी का ऑर्डर कि 3 by 3, ठीक है। सो इस फॉर्मूले नाल आपां इहो जिहा कोई भी सवाल की सॉल्व कर सकते हैं। एक होर एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल नंबर सैकेंड कि मैट्रिक्स ए है 2 by 3 ऑर्डर की है, मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स बी नाल दी, उहदा ऑर्डर मनो 3 by 1, सो सी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना है, जो सिंपल गल करिए कैंसल हो जूगा, 2 cross 1 ही बचेगा, ठीक है। बट जेकर आप इस एग्जाम्पल इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करना हो, देखो सो मैट्रिक्स ए है एम क्रॉस एन है, मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बी है एन क्रॉस पी है, इजिकल टू सी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा एम क्रॉस पी,
ठीक है, इट मीनस अपना एम ते पी की वैल्यू फाइंड करनी है, एम ते पी की, ठीक है ना। सो देखो कंपेयर करते हैं, एम की वैल्यू कितनी है, टू है, एन की वैल्यू थ्री है, एन की वैल्यू थ्री है, पी की वैल्यू वन है, बट अपन वैल्यू चाहिए कि एम ते पी की। सो एम की वैल्यू इतों पिक करो टू, इतों पिक करो पी की वैल्यू वन, सो टू इंटू वन की है सी का ऑर्डर। फॉर्मूले नाल ही सॉल्व कर सकते हैं, तो जेकर अपन ऑरल कैलकुलेशन बारे पता है तो भी कर सकते हैं। ऑरल मीन कि अपन पता है कि नंबर ऑफ रो ऑफ दिस फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो सैकेंड मैट्रिक्स। सो दोनों की है कैंसल हो जाते हैं, सो ए वाले अपने की है सी मैट्रिक्स का आंसर होंगे, ठीक है। सो इस फॉर्मूले की हेल्प ना आप इदा एग्जैम्पल सॉल्व कर सकते हैं। सो हम आप सवाल कर एग्जैम्पल होर करते हैं कि मल्टीप्लीकेशन बिटवीन टू मैट्रिक्स, ओके। सो इन मैट्रिक्स में मल्टीप्लीक किमें करना है, सो ये एग्जैम्पल सॉल्व करा। सो एक गल होर देखने वाली है कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई उन्होंने ऑर्डर से डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ओके। हाँ जी, देखो हम आप टॉपिक शुरू करते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। सो फर्स्ट आप जो प्रोडक्ट है मैट्रिक्स की, ये आप थ्योरी समझने की कोशिश करते हैं। कोई मैट्रिक्स सिलेक्ट करते हैं टू बाय टू ऑर्डर की, ठीक है। सो देखो कोई मैट्रिक्स सिलेक्ट की अपना टू बाय टू ऑर्डर की, ठीक है। सब तो पहले आप छोटे ऑर्डर की मैट्रिक्स, छोटे ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है वो प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। सो हम ए ते बी मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करनी, आप देखो इट मीन ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू, प्रोडक्ट ऑफ बी वन वन, बी वन टू, बी टू वन, बी टू टू, ओके। सो देखो हम प्रोडक्ट किमें करनी है। सो प्रोडक्ट एक चीज़ होर देखो, जो मैट्रिक्स ए है इनू आप कहेंगे प्री फैक्टर, जो मैट्रिक्स बी है उन्होंने कहेंगे आप पोस्ट फैक्टर, ओके। सो ये एक होर रिजल्ट याद रखना कि ए बी की प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। ये रिजल्ट याद रखना क्योंकि जो आप पहला भी गल की है कि मैट्रिक्स की प्रोडक्ट की है वो ऑर्डर के उपर डिपेंड करती है, ठीक है। सो देखो हम ए बी की प्रोडक्ट किमें करनी है, देखो ध्यान कि पहली रो ए वाली है, फस्ट रो की मल्टीपली फस्ट कॉलम, ठीक है। इतने लिख लो पहले फस्ट रो मल्टीप्लाई कोरसपोंडिंग एलीमेंट फस्ट कॉलम, फस्ट रो मल्टीपली फस्ट कॉलम कोरसपोंडिंग सम कोरसपोंडिंग एलीमेंट, ओके। सेम इस पहली रो की मल्टीपली पहले कॉलम नाल, ते फिर फस्ट रो की मल्टीपली सैकेंड कॉलम नाल, ओके। सो उस तो बाद फस्ट सैकेंड रो की मल्टीपली करनी आप फस्ट कॉलम नाल, देन सैकेंड कॉलम की करनी है, सैकेंड रो की करनी, सॉरी सैकेंड रो की मल्टीपली सैकेंड कॉलम नाल, ओके। सो देखो मतलब किमें कोरसपोंडिंग एलीमेंट द मीनिंग देखो की है कि पहली रो की मल्टीपली ए वाली हो, सो यदी प्रोडक्ट करनी आप फस्ट कॉलम नाल कोरसपोंडिंग एलीमेंट एंड सम, कि वो एलीमेंट की प्रोडक्ट करनी है तो उन्हों का सम भी करना, ठीक है। सम वर्ड यूज करेंगे आप। सो देखो कि ए वन वन की मल्टीपली करेंगे बी वन वन नाल, ओके। फिर सम प्लस ए वन टू की मल्टीपली बी टू वन, ए वन टू मल्टीपली बी टू वन, ओके। कोरसपोंडिंग एलीमेंट मीनस कि पहली रो का पहला एलीमेंट, पहली रो का पहला एलीमेंट, पहली रो का दूजा एलीमेंट कोरसपोंडिंग दूजी रो का, दूजी रो पहले कॉलम का एलीमेंट, ओके। उस तो बाद फस्ट रो की मल्टीपली फस्ट कॉलम कंप्लीट हो चुकी है, फिर फस्ट रो की मल्टीपली सैकेंड कॉलम। सो ए वन वन इंटू बी वन टू प्लस ए वन टू इंटू बी टू टू, ठीक।
सो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलमनर हो चुकी है, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सैकेंड कॉलमनर हो चुकी है। सो उस तो बाद टर्न आएगी सैकेंड रो की, सो सैकेंड रो की मल्टीप्लाई आएगी फर्स्ट कॉलमनर, ओके प्लस अगेन सैकेंड रो की मल्टीप्लाई सैकेंड कॉलमनर, इस तरह। ठीक है, सो यह सी अपनी प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स टू बाय टू ऑर्डर। सो भाई एक छोटी एग्जाम्पल सॉल्व कर लेने, देखो शायद फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैट्रिक्स ए लेट कर दें टू बाय टू ऑर्डर की, 1, 2, 3, 4। मैट्रिक्स बी लेट कर दे कर दें अपना 3, 4, 5, 6। ठीक है, सो जो ए वाला एलीमेंट की है, ए 1, 1 है, ए 1, 2 है, ए 2, 1 है, ए 2, 2 है, अब बी 1, 1 है, बी 1, 2 है, बी 2, 1, बी 2, 2। ठीक, सो देखो इनू इस तरीके ने समझ लो कि पहला अपना एक रो नू फिक्स कर लेंगे, कि मतलब एक रो नू फिक्स कर लो, उस रो की मल्टीप्लाई दूजी मैट्रिक्स हरेक कॉलम नाल करी चलेंगे। ठीक, फिर जो पहली रो की मल्टीप्लाई हरेक कॉलम कॉलम नाल हो जूगी, फिर सैकेंड रो नू फिक्स कर लो, सैकेंड रो की मल्टीप्लाई हरेक कॉलम नाल करी चलो। ठीक है ना, सो देखो इस तरह फर्स्ट रो फिक्स कर ली, सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो प्रोडक्ट ऑफ ए बी, कि 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 नाल, प्लस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 नाल। अगेन फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम हो चुकी है, फिर आप करें फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सैकेंड कॉलम नाल, सो 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, सो हम देखो पहली रो की मल्टीप्लाई, जो पहली वाली रो है वाली, यदि मल्टीप्लाई हरेक कॉलम नाल सॉल्व हो चुकी है। हुण टर्न आएगी सैकेंड रो की, सैकेंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम नाल, फिर 3 × 3 = 4 × 5 + 3 × 4 + 4 × 6। सो सॉल्व करते हैं, पर देखो 3 × 1 = 3 + 10 + 4 + 12 + 9 + 20 + 12 + 24। सो ऐड कर दो 13, 16, 29 and 36। सो ए 13, 16, 29, 36। सो ए अपनी की है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए बी, ओके। सो इस तरह की अपने 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स सॉल्व कर सकते हैं। हुण आप सॉल्व करके देखते हैं 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। हाँ जी, हुण आप प्रोडक्ट करते हैं 3 by 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के। ठीक है, सो फस्ट आप 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करनी है, वो थ्यूरी बारे गल करते हैं। देखो सो देखो कि आप मैट्रिक्स ए लेट की है 3 by 3 ऑर्डर की, कि ए 1, 1, ए 1, 2, ए 1, 3, ए 2, 1, ए 2, 2, ए 2, 3, ए 3, 1, ए 3, 2, ए 3, ए 3, 3। सो सेम इस तरह आप बी मैट्रिक्स लेट कर ली। ठीक है, सो हुण आप इन दोनों मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करा, देखो ओके। सो हुण इन दोनों मैट्रिक्स की प्रोडक्ट किवें करनी, देखो कि आप सेम उही गल नूं फॉलो करांगे कि फस्ट रो की मल्टीप्लाई फस्ट कॉलम नाल। ठीक है, दैन फिर फस्ट रो की मल्टीप्लाई कॉरसपोंडिंग सैकेंड रो कॉलम नाल, फिर फस्ट रो की मल्टीप्लाई कॉरसपोंडिंग एलीमेंट थर्ड कॉलम नाल। ठीक है, मतलब पहली रो फिक्स कर लेंगे, वो हरेक कॉलम आप मल्टीप्लाई करते जावे। तो देखो ए 1, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे आप बी 1, 1 प्लस ए 1, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे अपना बी 2, 1 प्लस ए 1, 1 की मल्टीप्लाई होगी बी 3, 1। ओके, सो देखो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो चुकी है। सो इस तरह ही फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सैकेंड कॉलम नाल प्लस सैकेंड कॉलम, देखो ओके, सो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सैकेंड कॉलम नाल, सो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम नाल, देखो सो देखो सो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम नाल ए वाली, फिर हम सैकेंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे अपना फर्स्ट कॉलम नाल, ए 2, 1 × b 1, 1 प्लस
a21 into b21 plus a, थोड़ी इसे a2 होगा, a23 into b31। ओके, तो देखो a21 into b12 plus a22 into b22 plus a23 into b32, सेम सेकेंड रो की मल्टीपल थर्ड कॉलम a21 into b13 plus a22 into b23 plus a23 into b33। ओके, सो हुण आपां सैकेंड रो की मल्टीपल कोरसपोंडिंग हरे फस्ट सैकेंड थर्ड कॉलम आपां कर चुके हैं, हुण थर्ड रो की मल्टीपल आपां हरेक कॉलम करांगे दी, ठीक है। मैं थर्ड रो की मल्टीपल पहले कॉलम देखो a31 into b11 plus a32 into b21 plus a33 into b31, सेम इस तरह a31 into b12 plus a32 into b22 plus a33 into b32। सो हुण थर्ड रो की मल्टीपल थर्ड कॉलम नाल, सो a31 की मल्टीपल पहला करांगे b13 नाल प्लस a32 की मल्टीपल b23 हो जूगी प्लस a32 की मल्टीपल a33 मल्टीपल b3। सो ओके, सो ए सी अपनी थ्यूरी। ओके, सो ए सी अपनी 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करनी है, वो थ्यूरी वाला पार्ट से, ठीक है ना। सो हम भाई एक एग्जैम्पल सॉल्व करते हैं, सो एग्जैम्पल सॉल्व करके अपन सारा टॉपिक ही है क्लीयर हो जाएगा। सो देखो कोई मैट्रिक्स सिलेक्ट करते 3x3 ऑर्डर। सो देखो मैट्रिक्स ए सिलेक्ट की अपना ए वाली 3x3 ऑर्डर की, मैट्रिक्स बी सिलेक्ट की ए वाली 3x3 ऑर्डर की। सो हम पहले दोनों मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करनी है। तो देखो, सो फस्ट रो की मल्टीपल करनी है फस्ट कॉलम नाल। ओके, सो इट मीन ए वन की मल्टीपल होगी 3 नाल। ओके, प्लस ए टू की मल्टीपल होगी 5 नाल। ओके, प्लस ए वाली 3 की मल्टीपल होगी 1 नाल। ओके, फस्ट रो की मल्टीपल फस्ट कॉलम नाल कंप्लीट होगी। हुण फस्ट रो की मल्टीपल करांगे सैकेंड कॉलम नाल, तो अपने को आंसर आएगा 1 into 4 प्लस 2 into 6 प्लस 3 into 2। ओके, तो हम फर्स्ट रो की मल्टीपल होगी थर्ड कॉलम, सो 1 multiply 5 प्लस 2 multiply 7 प्लस 3 multiply 3। ओके, तो देखो हम फर्स्ट रो की मल्टीपल इन तिना कॉलम कंप्लीट करती है। हुण आपां करांगे सैकेंड रो की मल्टीपल फस्ट कॉलम नाल, 4 into 3 प्लस 5 into 5 प्लस 6 into 1, फिर 4 into 4 क्योंकि हुण आपां सैकेंड रो की मल्टीपल करनी है सैकेंड कॉलम नाल, 4 into 4 प्लस 5 into 6 प्लस 6 into 2। ओके, हुण सैकेंड रो की मल्टीपल सैकेंड कॉलम नाल कंप्लीट होगी, फिर हुण वारी सैकेंड कॉलम सैकेंड रो की मल्टीपल करांगे आपां थर्ड कॉलम नाल, 4 into 5 प्लस 5 into 7 प्लस 6 into 3। ओके, दैन हुण आपां करनी है थर्ड रो की मल्टीपल इन तिना कॉलम नाल। तो फस्ट आप करें थर्ड रो की मल्टीपल फस्ट कॉलम ना, 7 into 3 प्लस 8 into 5 प्लस 9 into 1। अगेन हम थर्ड रो की मल्टीपल करेंगे पर सेकंड कॉलम ना, 7 into 4 प्लस 8 into 6 प्लस 9 into 3, थोड़ी 9 into 2 आएगा, सॉरी 9 into 2। अगे देखो थर्ड रो की मल्टीपल थर्ड कॉलम नाल, मीन 7 into 5 प्लस 8 into 7 प्लस 9 into 3। ओके,
सो हम अपने सॉल्व कर देंगे अपन की इस मैट्रिक्स का आंसर मिल जाएगा। सो देखो सॉल्व अपना इतने कर देने कॉर्नर दे मैट्रिक्स। सो 3 + 10 + 3 4 + 12 + 6 अगेन 5 + 14 + 9 ठीक। नेक्स्ट देखो सो अपन ये आंसर भी इतने लिख दें यदा आंसर आएगा सॉल्व हो गए चलो आंसर बाद आंसर के बाद लिखा। सो इन सॉल्व कर दें 12 + 25 + 6 16 + 30 + 12 20 + 35 35 + 18 सो 21 + 40 + 9 28 + 48 + 18 35 + 56 + 27 ओके। सो हम अपन इस मैट्रिक्स में ऐड करांगे। सो देखो हम अपन इस मैट्रिक्स का ऐड करके अपना आंसर आएगा 16। सो इनू ऐड करेंगे 22, इनू ऐड करेंगे 28, सो इनू ऐड करेंगे 43, सो इनू ऐड करेंगे 58, सो इनू ऐड करेंगे 73, सो इनू ऐड करेंगे 70, सो इन्हों ऐड करेंगे अपना आंसर 94, सो इन्हों ऐड करेंगे अपना आंसर है 118 ओके। सो यह अपनी प्रोडक्ट ऑफ 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। सो इस अपनी जो एक्सरसाइज है मॉडर्न मैथ की 3D है शायद इस बाद जो आप सॉल्व करनी है। सो यह इंट्रोडक्शन। सो हम आप कुछ सवाल सॉल्व करांगे।